सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। चैनल आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है और मेरा मेकअप एंड लुक से ही पता चल रहा है सेटअप क्या है। दिवाली, यस गाइस, दिवाली तो आ ही गई है ऑलमोस्ट। एंड दिवाली में हमको ऑफिस में भी पार्टी अटेंड करना होता है, गेट टुगेदर होता है, दोस्तों के साथ मिलना भी होता है। तो मैंने दिवाली का शॉपिंग तो कर लिया है मिंत्रा से, और मिंत्रा में इतना अच्छा जब सेल चल रहा है तो पीछे क्यों रहे भाई, मेरे मौका पे चौका मार दिया मैंने। तो मैंने कुछ ऑर्डर दिया था मिंत्रा में अपने लिए, बहुत ही अच्छा अच्छा सा सूट, वो सूट जो मैं पार्टी में भी पहन सकती हूँ एंड ऑफिस में भी, स्कूल कॉलेज सब जगह पे भी आप वेयर कर सकते हो। बहुत ही स्मार्ट कलेक्शन मैंने चूज किया है एंड जो आर्टिकल मुझे रिसीव हुआ है सब बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइज, मैं आज कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके बताना। मैंने सोचा दिवाली है भाई तो फिर थोड़ा सा दिवाली लुक में आया जाए, सो मैंने अपना थोड़ा सा बैंगल वगैरह भी डाल लिया है, क्योंकि अगर इंडियन वेयर पहनते हैं तो थोड़ा सा बिंदी झुमकी बैंगल्स के बिना अधूरा रहता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा मैं वैसे ही लुक क्रिएट कर लूँ। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मेरे झुमकी भी कैसा लग रहा है ये बताना। ये मैंने लोकल मार्केट, न्यू मार्केट, कोलकाता के न्यू मार्केट से लिया है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो मुझे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसको वेयर करना, नहीं तो मेरे कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो मेरा फर्स्ट आर्टिकल है वो मैं खुद पहन चुकी हूँ और ये कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना। ये इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, फर्स्ट में दिखा देती हूँ वो है ये सूट, योलो सूट। ये मुझे बहुत टाइम से पसंद था पर ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था, तो फाइनली मुझे मिल गया है एंड मैंने जल्दी से इसको ऑर्डर कर दिया था। सो फर्स्ट आर्टिकल ये फर्स्ट हो रहा है पर ये मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। सो बेसिकली ये योलो वाला ही फर्स्ट हो रहा है, देख सकते हो आप नीचे बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क किया हुआ है एंड इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये आप कहीं पे भी पहन के जा सकते हो और इसका नेक का डिज़ाइन देखो गाइज, प्यार हो जाएगा, इतना प्रिटी लग रहा है। हम मुझे लग रहा है कि मैं यही क्यों ना पहन, मुझे हमेशा वही लगता है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है इसका। एंड इसका हैंड में भी बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है और हैंड का सबसे अच्छा लगा ये वाला वर्क जो आपको पूरा लेंथ में भी मिल जाएगा। सो ये पहन के कुछ ऐसा लुक आएगा एंड मैंने ये दो साइज मेरा थोड़ा सा, मतलब मैंने लार्ज मैंने ऑर्डर दिया है। पीछे में कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन है और मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाओ कि ये कैसा लगता है पहन के। सो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। और ये सारे चीज़ का प्राइस भी मैं साइड में मेंशन कर दूंगी गाइस। और ये रहा इसका, वाओ इसका पैंट में भी कितना, ये प्लाजो पैंट है, यस प्लाजो पैंट है, पैंट में भी वर्क है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, झट झट से मैंने ओपन करके मैं वीडियो शूट करने बैठ गई। सो ये रहा पैंट का वर्क, ये भी बहुत अच्छे से है और इसका प्लाजो है, सबसे अच्छा लगता है मुझे प्लाजो में ये गर्डर रहता है, इससे क्या ये इलास्टिक जो रहता है ना इससे क्या रहता है ना बहुत अच्छे से फिटिंग भी होता है। मुझे हर सूट में थोड़ा सा लूज होता है नीचे का लोअर, तो मैं थोड़ा सा ऑल्टर करा रही हूँ क्योंकि साइज से थोड़ा बड़ा ऑर्डर करते थे इसलिए। और ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मुझे अभी दिल कर रहा है कि मैं पहन लूँ। और दुपट्टा भी इसका अच्छा है, दुपट्टा थोड़ा सा कॉटन, ऑफकोर्स कॉटन में ही है पर वो जो ये मुझे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा नेट कॉटन वाला है। दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दुपट्टा भी बहुत सॉफ्ट है, तो ये समर के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे भी आप कभी भी पहन सकते हो क्योंकि जो ऊपर का जो टॉप है जो लोअर है ये दोनों ही बहुत ही सॉलिड, मतलब थोड़ा सा मोटा टाइप का कॉटन का कपड़ा है, एकदम थिन नहीं है,
सी थ्रू एकदम भी नहीं है, देखिए नहीं सी थ्रू एकदम नहीं है। सो ये आर्टिकल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कितना अच्छा बात है कि इसमें साइड में आपका पॉकेट भी मिल जाता है, तो आप अपने फोन रख सकते हो, वॉलेट रख सकते हो, या फिर घर का चाबी, जैसे मैं हमेशा भूल जाती हूँ। सो यस गाइज, ये आर्टिकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है वो कौन है मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। वो ये प्यारा सा बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, अभी खेलने करने का मूड में है। मामा मामा जो वीडियो बना रही है, सबको हाई बोल दो, सब आप ही को हाई बोल दो। चलो मम्मा काम करके फिर खेलेगी। एनीवेज गाइस, ये हो गया मेरा फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड हो गया यू, ये ग्रीन। मैंने ऑलमोस्ट, मैंने जैसा बोला कि मैंने सारे चीज कॉटन में ही लिया है। कॉटन क्या है था ना, एवरग्रीन है, आप कभी भी पहन सकते हो। सो मेरा सेकंड आर्टिकल रहा ये सूट का कलर, देखो वाओ। मैंने ना खोल के एकदम नहीं देखा था आप लोग, मतलब जस्ट आज ही एक लास्ट ऑर्डर था वो रिसीव हुआ, और मैं ऑफिस से काम वाम करके आई, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से सूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट दिवाली आ ही गई है, तो और लेट नहीं कर सकती थी। सो ये रहा मेरा सेकंड, और इसका भी हैंड में ऐसे ही वर्क दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। गला भी इसका बहुत अच्छा है, ये इसको पता नहीं कि बन गला शायद बोलते हैं, या फिर कॉलर गला बोलता है, बंगला में तो कॉलर गोला बोले, बिकॉज आई एम बंगाली। यस गाइस, सो पीछे में ऐसा कॉलर दिया हुआ है, कितना चाहिए कॉलेज के लिए एंड ऑफिस के लिए, तो बहुत ही परफेक्ट है, कितना सोवर लगेगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक ए वाओ गाइज, लुकिंग लाइक ए वाओ है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और इसका कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, एकदम पूरा सी ग्रीन नहीं, पूरा ग्रीन कलर का है। गले में छोटा छोटा दो बटन भी दिया हुआ है, एक है एंड यहाँ पे दो है, नीचे का पूरा प्लेन है एंड पीछे भी पूरा ये प्लेन ही है। ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। और ये रहा इसका प्लाजो, ये पूरा प्लाजो नहीं है, थोड़ा सा इसका लोअर है, मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा। यार ये भी एंकल लेंथ है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, इसको जुत्ती के साथ या फिर हील के साथ भी आप वेयर कर सकते हो। सो ये रहा पूरा पायजामा नीचे का, और इसका नाड़ा है, और नाड़ा से आप इसको बड़ा छोटा अपना साइज का कराते हो, ये मुझे अल्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाड़ा में कंट्रोल है इसका। और ये रहा इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा, हाँ इसका दुपट्टा पूरा कॉटन का है, और इसका दुपट्टा नेट जैसा नहीं है, जैसा कॉटन का दुपट्टा होता है वैसे ही है, जैसे कि देख लो आप लोग, ओहो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताना, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। अभी मुझे ये डायलॉग से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, मतलब इतना सुन रहे रील्स में, इतना सुन रहे, तो आज का वीडियो में तो ये आप लोगों को भी बहुत ज्यादा सुनने मिलेगा, तो सुन लेना। प्राइस भी मैं साइड में लगा दूंगी। सो ये भी कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अब रहा एक सरारा सेट, ये सरारा सेट का दो कलर था, एक था पूरा येलो कलर का था, एक ब्लू था, और शायद एक कलर था वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो वो दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, तो वो तो मैं आउट ऑफ स्टॉक था इसलिए मैं देख नहीं पाई। सो ये रहा पूरा ब्लू कलर का सरारा, इसका भी बहुत ही अच्छा प्रिंट है, और इसका एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा, जो पहले मैं मतलब पहले पहनती थी, वो ये है हाथ का डिजाइन। ऐसा ना पहले जब 9-10 में मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो जो टेलर अंकल था, जिसको हम लोग काकू बोलते थे मेरे गांव में, तो ऐसे ही फ्रॉक में ऐसा लगा देते थे, तो इसीलिए ही इसको अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ऑर्डर दिया था। ये कितना क्यूट लग रहा है, ये भी आपका शॉर्ट है, शॉर्ट जैसा रहता है आपका, ये कुर्ती है, ये भी ये मैंने इस साइज का ही लिया है, या फिर एम साइज का होगा। एंड ये रहा इसका बॉटन, बॉटन पूरा सरारा है,
आपका लेंथ इतना ही मिल जाए, लेंथ तो चलो ठीक है, जो घेर है ज्यादा घेर नहीं है, ज्यादा बिग सरारा नहीं है, पर ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा पहनने से। प्रिंट ये पूरा प्रिंटेड है और इसके साथ ही मैचिंग दुपट्टा भी है। वाह, दुपट्टा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और दुपट्टा जैसे मैंने ग्रीन का दिखाया वैसा टाइप का नहीं है, ये दुपट्टा जैसे मैंने येलो कलर का दिखाया वैसा टाइप का दुपट्टा है, थोड़ा सा कॉटन का है पर थोड़ा सा हल्का नेट टाइप है, मतलब नेट इस सी थ्रू भी है, थोड़ा सा नेट टाइप है, और ये इसमें भी वर्क दिया हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और दुपट्टा के एकदम लास्ट में ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, सो ओवरऑल ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका भी प्राइस मैं आप लोगों को साइड में दिखा दूंगी। ब्लैक एक भी सूट ना लूँ ऐसे कैसे हो सकता है, ब्लैक तो मुझे पसंद आ ही जाता है। सो ये भी एक सरारा है, पर इसका जो पैंट है ये बहुत ज्यादा घेर है इसमें, जैसे कि ये एक पैंट है इसका घेर बहुत ज्यादा है एंड बहुत ही प्रिटी है। इसमें ना थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा रेड वर्क किया हुआ है, सो बहुत अच्छा ये प्रिंट लग रहा है। और इसका इलास्टिकसिटी इसका इलास्टिक है, सो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका नीचे का लोअर और ऊपर में ये डोरी, ओके ऊपर का टॉप ऐसा डोरी वाला है, ज्यादा शॉर्ट नहीं है, ऊपर का टॉप ज्यादा मुझे शॉर्ट नहीं लग रहा है, ठीक ठाक है, शायद घुटनों तक आ ही जाएगा। आप लोगों को मैं साइड में पिक्चर लगा लूंगी। और ये वाला जो है ये डोरी है, ये जो बचपन में हम लोग पहनते नहीं थे, फ्रॉक ऐसे करके लगा के इसके बाद इसको अच्छे से ऐसा टाई कर लेते थे, ऐसा जैसे सू में भी बांधते थे, ये बचपन में बहुत पहनते थे। बचपन मीन्स जब हम लोग 3-4 साल के होते थे, जो फ्रॉक मिलता था उसमें ये था, और अब जाके मैं ये पहन रही हूँ, मेरा बचपन तो खत्म ही नहीं हुआ है। तो ये भी कैसा लगा, और ये विदाउट आपका दुपट्टा आया था, तो मेरे पास ब्लैक दुपट्टा ऑलरेडी है, तो मैं इसके साथ इसको वेयर कर लूंगी। तो ये भी इसका भी प्राइस मैं साइड में लगा दूंगी। नेक्स्ट ये भी एक सरारा सेट है, आज इस बार मैंने बहुत अच्छा मतलब बहुत ही ज्यादा तक सरारा ही ऑर्डर दिया था, क्योंकि दिवाली या फिर ऐसा कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें सरारा मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ मुझे झुमका पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ये मेरा शौक है। सो मुझे सरारा अच्छा अच्छा दिख रहा था, तो और प्राइस भी ठीक ठाक ही था, तो मैं इसलिए मैंने ऑर्डर दे दिया था। ये नीचे का पूरा बॉटन है, इसमें ना बहुत ही अच्छा, इसमें जो घेर है ना इसमें ना वर्क किया हुआ घेर में, जैसे ये एक नीचे का आ रहा है इसमें कितना अच्छे से वर्क किया हुआ है ऊपर से, फिर एक नीचे एक लेयर आ रहा है इसमें, और एकदम से नीचे में ये गोटा पट्टी का वर्क है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ओवरऑल इसका लुक बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही स्मार्ट लगेगा। एंड ऊपर का जो टॉप है वो है ऊपर का इसको कुर्ती ही बोलेंगे या फिर टॉप बोलेंगे, कुछ भी हो, इसका गला जो नेक है ना वो बहुत ही छोटा है, मतलब छोटा क्या, ज़्यादा डीप नहीं है, इसमें भी गोटा पट्टी का ही वर्क किया हुआ है, एंड हैंड में भी गोटा पट्टी का काम मिल जाएगा, पूरा ओवरऑल लुक इसका ऐसा प्रिंटेड रहता है। सो इसका जो ओवरऑल लुक है, जो नीचे का भी बॉटन है, ये दोनों कपड़ा सेम है एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा ये वेयर करने से। ऐसे ही प्रिंटेड चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका दुपट्टा बहुत ही नॉर्मल है, दुपट्टा है इसमें सेम गोटा पट्टी का वर्क किया है, सो दुपट्टा कुछ खास नहीं है, बहुत ही पतला सतला है, सो या चल जाएगा। सो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है मेरा बहुत ही पसंदीदा सूट, इसको देखते ही मुझे सच में इसको मतलब देख के आपको एक चीज बोलना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता के दिखा के बताती हूँ। वो है पहले इसका दुपट्टा से मैं शुरू कर रही हूँ, इसका दुपट्टा देखो एंड इसका जो साइड में ना जो इसका वर्क है पूरा वाइट, इसका दुपट्टा एंड इसका साइड में जो वर्क है जो कलर है, सच में सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लुकिंग लाइक ए वाव,
सच में वाव है और इलिगेंट है, क्योंकि ये इतना ज्यादा सोवर कलर है और इसका दुपट्टे में इतना प्यारा सा एक डिटेलिंग से एक मोती है उसके साथ ऐसा ही कुछ बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत 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 प्यारा है। और इसका कपड़ा ना पूरा एकदम से सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट कपड़ा है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत 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 सॉफ्ट है। और इसका दुपट्टा भी बहुत बड़ा है, मतलब इसका दुपट्टा ना बहुत ज्यादा बड़ा है एंड पूरा फुल दुपट्टे के साइड में ऐसे ही व्हाइट वाला वर्क है और मिडिल में ऐसे ही दाग किया हुआ है और इसके साइड में भी है एंड चारों साइड में दुपट्टे के ऐसे क्यूट सा एक डिटेलिंग्स दिया है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो ये रहा इसका दुपट्टा, ये रहा ऊपर का टॉप, ये भी कितना ज्यादा प्रीटी है, ये बहुत ज्यादा प्रीटी है। इसका हैंड में कितना अच्छे से वर्क, जैसे मैंने बोला था मुझे इस टाइप का हैंड ना बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि पहले हम लोग पहन चुके हैं अपना छोटा में, तो मुझे इसका हैंड में भी वैसे ही वर्क। एक मैंने अभी ग्रीन कलर का जो सरारा दिखा उसमें भी वैसा ही हैंड था, पर इसमें ना टू लेयर है, जैसे वन लेयर एक है, फिर एक टू लेयर है, फिर एक डिटेलिंग्स दिया हुआ है पूरा वाइट कलर का, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका गला भी बहुत ज्यादा अच्छा है, गले में भी व्हाइट कलर का डिटेलिंग्स दिया हुआ है एंड इसका पूरा पूरा ऐसे व्हाइट आएगा। फिर यहाँ से नीचे से जो शुरू हो रहा है ना साइड में, ऐसे ही लेस का पूरा वर्क है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इसका मैं सच में क्या बोलूँ, सच में ये बहुत ज्यादा एलिगेंट है, बहुत बहुत सोवर है, बहुत ही सोवर है, बहुत ही अच्छा है। ये परफेक्ट ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, या फिर कोई ऐसा दिन के टाइम में जो गेट टुगेदर होता है, दिन के टाइम में, रात के टाइम पे नहीं, पर दिन के टाइम में जो गेट टुगेदर होता है ना, सिंपल घर पे कोई फंक्शन होता है, तो उस टाइम पे भी आप वेयर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई लव इट, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें ना आप हेयर को ना ज़्यादातर स्ट्रेट रखोगे ना तो आपका लुक ना बहुत ही क्लीन गर्ल लुक आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं किसी दिन इसका लुक ट्राई करके मैं फोटो पोस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे मेकअप का उतना कुछ नहीं आता कि मैं मेकअप वीडियो बनाऊँ। सो ये रहा इसका ऊपर का और इसका नीचे में पूरा अलग टाइप का वाइट वाला का वर्क दिया हुआ है, जैसे नीचे में इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ऐसा ऐसा टाइप, आप लोग समझ जाइए। बाबू ने मुझे मेरा जो बच्चा छोटा सा जो मैंने दिखाया अभी भी बदमाशी कर रहा है मेरा दुपट्टा लेके, इधर खींच रहा है बाबू, नहीं 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 बेटा छोड़ दो, बस बस हो गया हो गया। सो इसका ये भी प्लाजो ही है और इसमें भी नाड़ा है, जिसके कारण इसको भी मुझे ऑल्टर नहीं कराना पड़ेगा, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें भी पॉकेट है, पॉकेट वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें ना खास कर कार्ड वगैरह आप आराम से डाल सकते हो। सो यस गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड लास्ट आर्टिकल तो मैंने पहन के रखा है, एंड मैंने ये पहन के जो रखा है इसमें जो आपको मतलब मैं साइड में पूरा लोगों को दिखा दूंगी, एंड जो दुपट्टा है ये मैंने अलग से, मेरे पास था तो मैंने इसके साथ पेयर अप कर लिया था क्योंकि इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं आया था। मेरा ब्लैक वाला जो ब्लैक वाला जो सरारा है ये वाला एंड इसका जो पूरा सूट है कुर्ती का, इसमें दुपट्टा नहीं था, बाकी सब में ही दुपट्टा पूरा सेट मुझे रिसीव हुआ है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ तक ही था, आप लोगों को कौन सा मतलब सूट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर उसका कलर आप लोग बताना, या फिर कलर का अगर हार्ट मिल जाए तो वो भी कर देना, एंड सारे जो ड्रेस का है वो सारी चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जाके बाय कर सकते हो। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग बताना, फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दिवाली में बहुत मिठाइयां खाइए, इंजॉय कीजिए, बट अपने आप का ख्याल भी रखिए, एंड अभी के लिए बहुत सारा प्यार, बाय।